हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत शोर में अभी फटाफट वीडियो मैंने ऑन की है और मैंने ये बताना था कि आज मेरी आई सर्जरी है एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम यू आर सीइंग मी इन द ग्लासेस। मुझे चश्मा अराउंड 15-16 सालों से लगा हुआ है एंड मेरा नंबर 6 के करीब है, 6-6.5 है डिफरेंट आइज़ का। मैंने काफ़ी रिसर्च की कि क्या करना चाहिए बिकॉज मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था एंड लास्ट में मुझे सजेस्ट किया गया कि आप लेज़र करा सकते हो बिकॉज आपकी आई हेल्थ बहुत अच्छी है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की कि कहाँ से कराना चाहिए एंड फाइनली मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल मिला जहाँ से मुझे कराना चाहिए। सो फाइनली आज मैं जा रही हूँ। थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट लेट्स होप कि सब कुछ सही हो। बाकी मैं अपडेट्स तो आपको देती रहूँगी। या आई होप कि सब कुछ सही हो, आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, जस्ट प्रे फॉर मी। एंड आज 13 तारीख है, आई डोंट नो ये ब्लॉग मैं कब एडिट करूँगी और कब डालूँगी, बट जब भी आएगा जस्ट प्रे फॉर मी दैट आई एम वेल। Now I am on the way to the hospital. And मुझे बोला गया था कि फेस पे कुछ नहीं लगाना, अच्छे से नहाना है एंड बालों को धो लेना है, वो मैंने कर दिया है। हाय गाइस, सो आई हैव रीच्ड द हॉस्पिटल। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे बोला था कि चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाना है, शैम्पू अच्छे से करके आना है बिकॉज एक हफ्ता फिर उसके बाद शैम्पू नहीं कर सकते हो। एंड फेस पे भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं लगाना है, बट या आई थिंक इसके साथ कुछ मैसअप होता होगा जो भी है। एंड मुझे उन्होंने ये भी बोला था कि जब सर्जरी हो जाए उसके बाद तीखा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, एनीथिंग जिससे आँखों में लाइक पानी आए वो चीज़ नहीं करनी है। सो मैं I'm little scared, little nervous. तो मैं हॉस्पिटल में पहुँच चुकी हूँ एंड या मम्मी सही होगी सर्जरी। सो गाइस, अभी इन्होंने मेरा एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया है, देख पा रहे होगे, एक ब्लड सैंपल लिया है ताकि उन्हें पता हो कि मेरे में लाइक कुछ लाइक बीमारी तो नहीं है, कुछ ब्लड चेक करना जो भी है। एंड अब बस आई थिंक आई ड्रॉप्स डालेंगे एंड उसके बाद हो जाएगा। सो गाइस, अभी मेरी आईज़ में इन्होंने कुछ ड्रॉप्स डाली हैं थोड़ा आई को सूद करने के लिए एंड एक मेडिसिन दी है एंगजाइटी की ताकि मतलब जो मेंटल ब्लॉकेज है, टेंशन है वो ना हो। या सो अपडेट। सो गाइस, आई ड्रॉप्स डालने के बाद एंड दवाई खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम फील हो रहा है, काम एंड पीसफुल, लाइक आई एम इन माय ज़ोन, मतलब रिलैक्स्ड फील हो रहा है। आई डोंट नो अभी कितनी देर लगेगी। सामने मम्मी बैठी हुई है, मम्मी कैसा होगा फिर? डर लग रहा मुझे थोड़ा थोड़ा। ठीक होगा। हाय गाइस, दिस इज माय डॉक्टर, डॉक्टर मनप्रीत सिंह। हेलो। एंड ही इज डूइंग माय सर्जरी टुडे। सो सर, आई एम फीलिंग अ लिटिल नर्वस, व्हाट डू यू सजेस्ट? आई थिंक इफ वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर दिस सर्जरी, सो यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट, हैव फेथ ऑन योर डॉक्टर and hopefully we'll get through it successfully. And this surgery more or less is painless, so after this surgery I hope you would recommend this surgery to so many of your friends and you would be completely free of your nervousness after this surgery. Thank you so much doctor, and I have complete faith on you and let's see, I hope everything goes well. Any last piece of advice that you want to give me before the surgery? All the best to you and have confidence in your doctor. Thank you so because much. Because the whole tension is now that depends on your doctor. The tension you have shifted to your doctor. So it's my responsibility now to take care of you. Yes sir, right. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, so meri eyes close hain, mujhe nahi pata abhi main aapko dhang se dikh bhi rahi hu ya nahi. सो लेज़र हो गया है एंड मेरा ब्लेडलेस वाला लेज़र हुआ है, जो सबसे हाई एंड सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है वो वाला लेज़र करवाया मैंने। एंड आई थिंक 10-15 मिनट्स लगे होंगे पूरे प्रोसेस में। अभी मुझे आँखों में थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, थोड़ी सी हैवी हो रही है मेरी आईज़ एंड थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है मेरी आँखों से।
बट लेज़र काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी स्मूथ था एंड डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे को हैंडल किया। एंड क्योंकि आज से पहले मेरी कभी कोई सर्जरी नहीं हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बट द डॉक्टर वॉज वेरी वेरी नाइस एंड उन्होंने मुझे बोला अभी ये स्पेक्स डाल के रखनी है, आँखों पे छींटे नहीं डालने हैं पानी की कम से कम 15 दिन के लिए, एंड गर्दन से नीचे नहाना है। सो या एंड आज के पूरे दिन मुझे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, लाइट में नहीं बैठना है और मोस्टली आइज क्लोज ही रखनी है। सो आई होप कि मैं अपनी अच्छे से केयर कर पाऊँ, वैसे मम्मी भी है जो मेरी केयर कर पाएगी। सो अभी के लिए इतना ही, जैसे जैसे मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस लगने लगेंगे आई विल इन्फॉर्म यू। हाय गाइस, आई एम बैक एट माय प्लेस एंड अभी मेरी 80% विजन वापस आ चुकी है एंड एज यू कैन सी मेरी आईज में से काफ़ी ज़्यादा वाटर निकल रहा है, दैट इज़ बिकॉज मैं काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स डाल रही हूँ, काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स एंड काफ़ी सारे और भी हैं, लेट मी शो यू, काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स हैं एंड मेडिसिन हैं ताकि अगर मुझे सो आई शो यू, काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डालनी है एंड कुछ मेडिसिंस हैं कि अगर मुझे पेन होता है तो आई कैन यू नो हैव दोज मेडिसिंस एंड फील बेटर। सो या यही चल रहा है, कल मुझे वापस से डॉक्टर, अभी मेरे को अजीब सा फील हो रहा है बिकॉज़ पहले जब मैं कैमरा को देखती थी मुझे मैं नहीं दिखाई देती थी, अब जब मैं दिखाई दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है, बट अलग इन अ गुड वे। कल मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए हाउ माय आईज आर वगैरह वगैरह, पता नहीं, तो आई विल टेक रेस्ट एंड सी यू टुमारो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ डे 2। आई जस्ट क्विकली सैट डाउन टू टेल यू ऑल द डिटेल्स दैट हैपेंड यस्टरडे एंड आज मेरे को क्या क्या फील हो रहा है। सो आज अभी सुबह, मतलब मैं उठी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ एंड मुझे उठते ही मेडिसिन डालनी थी ड्रॉप्स, एंड मुझे ड्रॉप्स डालनी थी 8:10 पे 8:20 पे 8:30 पे, 10-10 मिनट के गैप पे ड्रॉप्स डालनी थी। और रात को मुझे ढंग से नींद नहीं आई, थोड़ी देर मैं सोई होंगी, आई मास्क टाइप का लगा के जैसे सोते हैं ना वो लगा के मैं सोई थी, थोड़ी देर मेरे को नींद आ गई थी, बट 3 बजे मेरी आँख खुल गई थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। आज सुबह भी जब मैं उठी हूँ मैंने गॉगल्स डाल के ब्रश किया है एंड यही डाल के मैं नहाई भी हूँ, लाइक गर्दन के नीचे नीचे गर्दन पे मैंने पानी ऐसे लगा लिया था ऐसे एंड देन आराम से नहाई ताकि जो छींटे हैं वो मेरी आँखों पे ना जाएं। कल का एक्सपीरियंस अब मैं बताना चाहूँगी आपको थोड़ा सा, बिकॉज अभी मुझे जल्दी जल्दी आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल नाउ फॉर द आई चेकअप। सो कल आई वॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे। और जब मुझे सर्जरी रूम में ले जाया गया तो उन्होंने, मतलब मुझे एक ऐसे टेबल वो जो होती है ना बेड टाइप का, उस पर मुझे लेटा दिया एंड बोला कि आँखें ऐसे सीधी रखो, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा प्रेप किया था, कुछ बीटाडीन लगाई थी ताकि ठंडा रखने के लिए, आई डोंट नो, ताकि जो रेज हैं वो मेरे फेस को अफेक्ट ना करें। देन लेटा दिया एंड देन फेस पे कुछ चादर टाइप का, कुछ कपड़ा टाइप का था वो लगाया, एक आँख मतलब ऐसे फोकस किया एंड अभी मैं आपको साइड में दिखाऊंगी भी कि क्या क्या हुआ। सो एक आँख पे उन्होंने फोकस किया, ऐसे करके आँख को खोला और फिर द डॉक्टर टोल्ड मी देर वर टू लाइट्स, ग्रीन एंड रेड, डॉक्टर टोल्ड मी कि ग्रीन को देखते रहो एंड देन थोड़ा थोड़ा देर जब हिल रहा था बिकॉज मुझे डर लग रहा था तो उन्होंने बोला कि मत हिलाओ, मतलब पूरा टाइम ही वो टॉकिंग टू मी, और जो
सो पूरा टाइम द डॉक्टर वॉज टॉकिंग टू मी एंड ही केप्ट मी काम एंड क्वाइट एंड लाइक कूल. सो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे. सो उन्होंने बोला कि ग्रीन लाइट को देखते रहो, ग्रीन लाइट को देखते रहो, तो मैं देखती रही. फिर उन्होंने बोला आधा प्रोसेस हो गया है. फिर उन्होंने बोला कि अब मतलब फ्लैप उठाते हैं, दो फ्लैप्स उठाए थे. फिर उन्होंने बोला कि अब हम इस पर लेज़र करेंगे. तो जब लेज़र पर ना ऐसे लगता है हवा आ रही है, बहुत ज़ोर से हवा आ रही है आँखों पर. तो उन्होंने बोला हवा जैसे फील होगा, एक अलग अजीब सी ना वो स्मेल टाइप की होती है, वो जो मतलब लेज़र की स्मेल होती है, तो बेसिकली रेज टाइप की तुम्हारी आइज़ पे फॉल करती हैं, तो उसकी वो थोड़ी सी स्मेल आ रही थी और हवा आ रही थी. तो मैं हवा पे फोकस करती रही. एंड उन्होंने बोला कि 20% डन, 40% डन, 60% डन, 80%, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 100% डन. तो ऐसे करके एक आंख का हो गया. फिर उन्होंने बोला डू यू वांट टू टेक रेस्ट और डू यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद द अदर वन. तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ गेट स्टार्टेड विद द अदर वन. तो उन्होंने बोला ओके ओके. तो फिर हमने यहाँ से जो वो कपड़ा है वो इस आंख पे शिफ्ट कर दिया, ये वाली पे मतलब क्लोज हो गई. फिर उन्होंने सेम प्रोसीजर इस आंख पे किया. बेसिकली जब हम इंटरनेट पे, गूगल पे या यूट्यूब पे जब हम देखते हैं कि लेंस निकलता है, ऐसे होता है, ऐसे चीरा वगैरह लगता है, बहुत स्केरी लगता है वो. एंड मैं देख के गई थी क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे को हर चीज़ की रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है. तो मैं हर चीज़ देख के गई थी. बट उस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में था कि अभी ये हो रहा है. बट ऑनेस्टली पेन नहीं होता, बिल्कुल भी पेन नहीं होता. सो फिर सर्जरी हो गई, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, बिल्कुल पेन नहीं हुआ, सर्जरी हो गई. फिर उन्होंने मुझे उठाया, फिर उन्होंने बोला हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग गुड. आई सेड यस यस, आई एम फीलिंग फाइन. उसके बाद कुछ आई ड्रॉप्स डाली एंड कॉल आ रहा है, आई एम सॉरी. सो उसके बाद कुछ आई ड्रॉप्स डाली एंड मुझे जो रेस्टिंग रूम है वहाँ पे रख दिया टू चेक कि थोड़ा सा जैसे चेक करते हैं कि सब कुछ सही गया इसका या नहीं. सो देन उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि ओके ठीक है. फिर हम मतलब पेमेंट हुई. सो मेरी जो सर्जरी है वो 80,000 की हुई है, जो सबसे लाइक बेस्ट सर्जरी थी. एंड मैंने प्रोज एंड कॉन्स देखे. बेसिकली दो टाइप की सर्जरीज थी मेरे मतलब पटियाला में जो अवेलेबल है, वो है 45,000 की एंड 85,000 की. तो मैंने पूछा कि इसमें डिफरेंस क्या है. बेसिकली डॉक्टर ने मुझे बोला आपकी आईज़ अच्छी हैं एंड यू कैन, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर 45 ऑल्सो. बट वो ब्लेड वाली होती है, उसमें ब्लेड लगता है. बेसिकली थी तो दोनों ही लेज़र वाली, बट मुझे लगा ब्लेडलेस वाली ज़्यादा मेरे लिए बेटर है. सो मैं आई चोज दैट वन फॉर माई सेल्फ. या बाकी जितना गूगल पे, यूट्यूब पे जितना स्केरी लगता है वो उतना स्केरी नहीं है. एंड नाउ आई हैव टू गो फॉर माई चेकअप. सो आई विल सी यू लेटर. उसके बाद जो भी मुझे लगे मैं बता दूँगी. हो गया नहीं टाइम, हो गया दवाई डाल. ओके डाल रही हूँ. सो वी आर हेडेड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल. हाय गाइस, सो मैं अभी चेकअप करवा के आ चुकी हूँ. जिन डॉक्टर ने चेक किया उन्होंने बोला कि सब सही है एंड मुझे बोला कि कंटिन्यू करो जो मेडिसिन दी हैं उनको, बाकी आंखों का ध्यान रखो. तो या बस आज के लिए, आज आई थिंक यही था. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 7. आज 7वां दिन है कि मेरा ऑपरेशन हो गया है. और जो आप ये अनमोल सा चेहरा देख रहे हो, ये 7 दिन से धुला नहीं है और मेरे बाल भी नहीं धुले हैं. तो आज मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ. आई एम वेटिंग कि डॉक्टर जल्दी से हाँ बोलें कि ठीक है आप मुंह धो सकते हो, फेस वॉश कर सकते हो, आप मतलब शैम्पू कर सकते हो. तो दैट वुड बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी. एंड या ऑल इज़ वेल. बस नहाने में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है बिकॉज कभी मतलब चेहरा इग्नोर ही हो रहा है आजकल. सो बस वो और बाकी पूरा दिन आई ड्रॉप्स डालनी होती हैं. पूरा दिन आई एम वेयरिंग दीज गॉगल्स ऑल्सो कि मतलब लाइट ना जाए. बाकी आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है एंड लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज. एंड बस आज लास्ट डे है, आई होप एवरीथिंग गोज वेल. सो गाइस, डॉक्टर को चेकअप करवा लिया है, नाउ वी आर हेडिंग बैक होम. डॉक्टर ने बोला कि आईज ठीक हैं बट अभी 7 डेज़ का रेस्ट करना है एंड चेहरा भी अभी 15 to 20 days नहीं धोना, बाकी बाल भी लाइक पीछे करके धोने हैं. बाकी सब सही है.
सो आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना. आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी इस व्लॉग से लेज़र के बारे में एंड उसके बाद क्या क्या करना होता है या क्या क्या होता है उसके बारे में. सो या अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा. लव लव, बाय.